अनंत कुमार की बात करें तो वो खुद एक लेजेंडर, जो काम उन्होंने किए हैं मूवीज में भी दिख रहा है और ऑफ स्क्रीन भी हम बोल सकते हैं, जो उनके बारे में जो लिखा हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं जानकारियाँ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, अनंत कुमार के बारे में? पहले तो ही इज़ फ्रॉम बिहार एंड आई सी दैट ही इज़ डन सच अ ग्रेट ग्रेट जॉब फॉर ऑल दीज किड्स. ही टीचेज ऑल दीज 30 किड्स एवरी ईयर एंड दे बिकम IITs, लाइक दे गो टू IITs एंड दे एक्चुअली पास दीज एग्ज़ाम्स. सो आई थिंक इट्स आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड दैट आई एम फ्रॉम पटना एंड अ पर्सन फ्रॉम पटना हैज़ डन सच अ ग्रेट सोशल जॉब. सो I think what he's done is great and उन पर फिल्म जो बनी है वो बहुत अच्छा, और ऋतिक सर ने जो काम किया है आई थिंक ही इज़ डन सच अ ग्रेट जॉब. मैं एक्चुअली मैंने 3 बार फिल्म देखी एंड थ्री टाइम्स आई हैव क्राइड सो मच, माई हार्ट हैज़ मेल्टेड द परफॉर्मेंस ऋतिक हैज़ गिवन एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो, बट आई थिंक ऋतिक वॉज माई फेवरेट. ही इज़ डन सच अ फैब जॉब. जब आपको ऑफर हुई तो माइंड में क्या चल रहा था और आपके पेरेंट्स के माइंड में, जब आपको आपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? जब मुझे ऑफर हुई थी सो आई वॉज रियली एक्साइटेड, आई वॉज रियली हैप्पी कि ओ माई गॉड पटना के किसी यू नो आई हर्ड अबाउट आनंद सर और उन पर फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी बात है, एंड ऋतिक सर इज़ डूइंग द फिल्म, सो और खुशी मिली थी. और जब मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई थी देवर मोर हैप्पी, देवर लाइक वाओ यू नो इट्स, देवर प्राउड एंड दे स्टिल वेरी प्राउड. अभी भी उनको कॉल आ रहा है एंड देर लाइक यू नो बिटिया को हमने देखा सुपर 30 में डांस करते हुए. सो आई थिंक इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर एनी पेरेंट टू यू नो सी देयर किड डूइंग सो वेल. मूवी देखने के बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपको कॉल करके, क्या बोले? माई मॉम वॉज विथ मी फॉर द प्रेमियर सो शी वॉज रियली हैप्पी, और मॉम अभी पटना में रही हैं तो मॉम ने मुझे बोला कि मुझे बहुत, शी कुड ऑल्सो रिलेट टू द फिल्म एंड शी रियली लाइक्ड ऋतिक सर्स परफॉर्मेंस एंड माई परफॉर्मेंस इज वेल, बट शी रियली लाइक्ड ऋतिक सर्स परफॉर्मेंस. पैशा मूवी के साथ में सॉन्ग भी काफ़ी सराहा लोगों ने इन पब्लिक रिव्यू में भी कि हाँ एक सॉन्ग है जो जो दिल को छू रहा है वो सॉन्ग, कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी भी उसमें है, उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वो भी थिएटर आर्टिस्ट है? आई लव पंकज सर, आई थिंक आई एम अ बिग बिग big fan of Pankaj sir, like from Mirzapur to all the things that he's done, I just adore him as an actor, and jab mujhe wo chance mila tha to work with him I think I wanted to laugh because he's so funny. But I would just say that I've been lucky, you know, Tera Ghata, Paisa, to work with all these actors, Fixer to work with, you know, Mahi Gil, Tigmanshu sir, you know, Shabir. It's been a great journey. Ritik, dance ke liye unhe bhi mana jata hai. Super dancer bhi ho sakte hain hum. I was very nervous to actually dance in front of him. Like, he's a Greek god. And jab mujhe pata chala ki mujhe unke saath dance karna hai, आई वॉज़ लाइक मुझे तो मतलब 3-4 महीने प्रैक्टिस करनी मतलब करना पड़ेगा, बट मुझे पता चला दैट ही इज़ नॉट रियली डांसिंग, आई एम द वन हु इज़ गोना बी डांसिंग. तो फिर थोड़ा मुझे रिलीफ हो गया था कि ओ थैंक गॉड, बट आई स्टिल हैड टू वर्क फॉर 10 days, आई वर्क रियली हार्ड एंड या. सो ऋतिक वॉज अ रियली गुड को एक्टर, ही सपोर्टेड मी, ही वॉज लाइक डोंट बी नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज रियली नर्वस, आई वॉज रियली इंटिमिडेटेड, बट it was a good journey, it was a good day of shoot, it was one of the best days that I shot last year. Set pe kya tha mahol, set ka mahol kaisa tha? It was really nice. When I remember when I saw Ritik walk on the walk on set, and when I saw him, and you know because he had this makeup on for the role, and he still looks so good and so charming, you know, and so I feel it was a great environment. I was busy in my zone dancing, I was very very much in my thing ki yaar mujhe to acha perform karna hai, Ritik sir ke samne dance karna hai, dar bhi lag raha tha, wo bahut sari mixed feelings thi mere liye, but in the end it went well and I'm sure you guys enjoyed the dance. Jab Anand Kumar se pucha gaya ki Ritik kitna prepare kitna prepare karta hai to unhone kaha ki lagbhag 1 saal ke lamsam lagbhag unhe laga tha. Exactly. क्लासेस में आए थे, उन्होंने प्रैक्टिस की काफी, उन्होंने मुझे देखा करने के लिए. आपने क्या क्या रिसर्च की क्योंकि बायोपिक है, रिसर्च माइनर?
मैंने ऑनेस्टली थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं पटना से हूँ तो मैं उनके बारे में जानती हूँ. मैंने उनके बारे में सुना है, मेरे घर में मेरे डैड ने भी उनके बारे में एक दो बार बातें की है. पर मैंने एज सच उस रोल के बारे में कुछ, क्योंकि वो मेरा रोल नहीं था तो मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया. बट ऑब्वियसली उनके बारे में मैंने ज़रूर पढ़ा था कि वो IIT 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे उनको कैम्ब्रिज में एडमिशन मिली थी और उन्होंने वो नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ही डिडंट हैव द मनी दैट टाइम. बट यू नो ही टॉट ऑल दीज किड्स, ही लेट दीज किड्स ड्रीम इंस्टेड ऑफ हिम. इट्स सच अ ग्रेट जॉब टू सी समवन एक्चुअली, लाइक आप किसी और को सपना दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है. सो आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड कि पटना से कोई इतना आगे बढ़ गया है. मैम, इसके अलावा लोगों ने एक और मुद्दा उठाया जो प्रॉब्लम्स फेस किए आनंद कुमार ने, और वहाँ पे अब भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है वो अब भी फेस करते हैं. मिनिस्टर्स की बात करें, कोई और प्रॉब्लम खाने को लेके बात करें, तो क्या गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो रही है मैम. आई वुड से दैट आई मीन पीपल शुड, आई मीन गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट. बट ये चीज़ें हैं, अब उस पर आई एम नोबडी टू कमेंट ऑनेस्टली. नहीं, तो क्योंकि IAS आज के टाइम पे भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा पटना से निकल रहे हैं हाँ अभी रिसेंटली, और काफी अरसे से, लेकिन फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई फील अब बहुत सारे, अब जब हम बोलते हैं एक्टर्स भी हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पर आते हैं और बहुत लोगों को उतना सक्सेस नहीं मिलता है. बट आई फील लाइक यू, इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब, आपको अपना काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट. एंड आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एंड इफ़ दे आर गिविंग प्रोवाइडिंग फूड और नॉट. बट आई फील मे बी दे शुड, इफ़ देर इज़ सम पीपल हु आर अनफॉर्चुनेट. जैसे फिल्म में बोलते हैं कि पढ़ाई का तो सब सबको हक होता है, सो दैट शुड बी, खाने का भी सबको हक होना चाहिए. एंड आई होप कि देर इज़ समथिंग डन. आई डू दैट, आई गो टू ऑर्फनेजेस एंड यू नो आई फीड किड्स एंड आई गेट इमेंस हैप्पीनेस डूइंग दैट. सो आई होप देर इज़ समथिंग डन. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बट आई होप देर इज़ समथिंग डन. मूवी से कितना सोच बदलेगी लोगों की इस मूवी के बाद? अब वो तो इन टाइम यू गाइस विल नो, बट We've आई been होप. seeing you in different roles. या This time, this role was how different than the others that you performed? इट वॉज एन आइटम नंबर, वॉजन्ट रियली अ रोल. सो आई थिंक आई एंजॉय डांसिंग. सो बट अदर देन एनी थिंग इट वॉज बिकॉज दैट आई हैव टू डांस विद ऋतिक सर. दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर स्टफ दैट आई हैव डन. आई वॉज रियली नर्वस, आई वॉज वेरी इंटिमिडेटेड टू डांस विथ ऋतिक. एंड या इट वॉज एक्चुअली रियली इंटिमिडेटेड टू डांस विथ अ ग्रीक गॉड हु इज नोन फॉर हिज एक्टिंग. लाइक सिंस आई वॉज अ किड आई वॉच्ड हिम डांस लाइक अ Okay, that क्रेजी was something पर्सन. that was before this. या But after performing and you were done with doing your part, how did you feel? How happy? आई वॉज रियली हैप्पी. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, लाइक यू नो वैन यू गो ऑन सेट बिफोर यू हैव सो मैनी अजम्पशंस इन योर हैड. यू आर लाइक ओ माई गॉड, वो लोग क्या सोचेंगे, कैसा होगा, मैंने अगर गलती कर दी तो ओ माई गॉड मेरी बेइज्जती हो जाएगी. लाइक यू नो आई वॉज इज दिस सो मच गोइंग ऑन, मैं नहीं हो पाएगा शायद, कर पाऊँगी मैं नहीं कर पाऊँगी. बट आफ्टर आई डिड इट आई फील दैट यू नो एवरी टाइम आई हैव डन समथिंग एंड आईव बिन स्केर्ड अबाउट समथिंग इज जस्ट It's just a fear in your head and you have to just fight it and you come out of it as a strong person. So what doesn't kill you makes you stronger. So I think that's what happened after the song. करिश्मा मैम, पवित्र रिश्ता सबने सीरियल की स्टार्ट की थी, उसके बाद में मूवीज की है, वेब सीरीज भी आई आपकी, म्यूजिक वीडियो भी आया, अब किस जॉनर में एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आई थिंक ऐसा कोई एक जॉनर नहीं है जहाँ पे मैं नहीं और या मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ ना करना चाहती हूँ. I think wherever I feel there is great content, I want to be a part of that project. I just want to make good, great content. That's what I'm looking forward at. इसके अलावा फिक्सर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सभी राजू आलू वाले डेब्यू कर रहे हैं इन वेब सीरीज, हम बोल सकते हैं.
काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा? शब्बीर इज वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स एक्चुअली आई वर्कड विद. ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज अ वेरी नाइस एक्टर. In Isha Kulpekar is there, Mahi Gill is there, Tigmanshu sir is there, he's a director, so learned a lot from him. Sohan Shah is directing. So it was a great journey in Fixer, because Fixer is a role about, the character is about an actress, and it is very close to me. I've worked really hard on that show, so I'm really looking forward to it. And I hope people like it, because I've really worked very, very, very hard on that. Thank you so much. और upcoming में इसके अलावा Fixer के अलावा और क्या रही है finally ये बताइए. Tony Kakkar का गाना आ रहा है and I'm reading scripts, narration. Let's see क्या होता है. Thank you so much. Thank you. Thank you.